नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, केडीएस राजस्थान। आप देखना शुरू कर चुके हैं, भगवान इंसान को एक बार जन्म देता है और एक ही बार में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस बीच में जो डॉक्टर्स हैं वो इंसान की बार बार जान बचाते हैं। ऐसे में हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा इसीलिए दिया गया है, और इस कोरोना महामारी में इस बात को एकदम साबित किया है कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स की टीमों ने जिस तरह से सहयोग किया है, जिस तरह से लोगों की जानें बचाई है, दिन रात सेवाएं की है, उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। और ऐसी ही एक संस्था है जो कि सालासर बालाजी महाराज के नाम से इटली पादवा शहर में काम कर रही है, बालाजी मंदिर के नाम से। उसी संस्था के द्वारा यहाँ सुजानगढ़ शहर में जो डॉक्टर्स की टीम है उनका विशेष सम्मान यहाँ पर किया जाना है, ऐसा एक अनूठा कार्यक्रम। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुजानगढ़ में और यहाँ पर यह कार्यक्रम होने वाला है। आइए अपने अंदर चलते हैं जहाँ पर यह कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर ये देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दृश्य है, और ये जगह है जहाँ पर सम्मान अब से कुछ ही देर में होने वाला है। और मैं यहाँ पर फिर से यही बात कहूँगा कि इंसान एक बार दुनिया में जन्म लेता है और एक ही बार में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु जन्म से मृत्यु के बीच में डॉक्टर्स की एक ऐसी भूमिका होती है कि बार बार वो इंसान को मरने से बचाता है, उसकी जान बचाता है, और इसीलिए समाज में भगवान का दर्जा डॉक्टर्स को दिया गया है। और श्री सालासर बालाजी मंदिर कमेटी पादवा शहर इटली के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर्स का विशेष सम्मान समारोह यहाँ पर किया गया। सुंदर सजावट यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, गुब्बारों से यहाँ पर की गई है, सुंदर सजावट यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस कोरोना के समय में अपनी अभूतपूर्व भूमिका इस समाज की रक्षा के लिए निभाई है, उन सभी का यहाँ पर सम्मान किया जाना है। और यहाँ इटली से प्रतिनिधि भी उनके यहाँ पर पधारे हुए हैं, किशन जी सैनी। मैं बात करूँगा अभी कमल जी दाधीच मेरे साथ में हैं। कमल जी नमस्कार। सर, आप एक समाज सेवी हैं और पार्षद प्रतिनिधि हैं, भाजपा के नेता भी हैं। सर, थोड़ा समझना चाहूँगा कार्यक्रम की रूपरेखा, क्योंकि बिल्कुल भगवान का दर्जा हमारे समाज में और डॉक्टर्स को दिया गया, और इस कोरोना महामारी ने तो इस बिल्कुल साबित कर दिया है, तो ये कैसे दिमाग में आया और डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए, और किस तरह से क्या आज कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, जिस तरह से कोरोना की ये सेकेंड वेव आई थी तो ये हमने पहले सुना था कि इटली के अंदर भारी नुकसान हुआ है और भारी लोगों की मौतें हुई थी इटली में। तो हमारे सुजानगढ़ के खूब प्रवासी इटली रह रहे हैं अभी भी। तो सुजानगढ़ में एक पादवा सिटी है इटली के अंदर, वहाँ पे सुजानगढ़ के सैकड़ों आदमी रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने बालाजी मंदिर भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो उनसे मेरी बात होती थी लगातार, मेरे मित्रगणी हैं वो, तो उनसे बात होते होते उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ में हम हमारे डॉक्टर्स का यहाँ पे जिस तरह यूरोप में सम्मान होता है, आप भी सुजानगढ़ में हमारे बैनर के तले उन डॉक्टर्स का सम्मान करो जो भगवान से कम नहीं है। जिस कोरोना काल में परिवार के लोग पेशेंट के हाथ लगाने से दूर हो जाते हैं, उस समय ये डॉक्टर्स ही हमको संभालते हैं, तो वो भगवान से भी ज़्यादा ही उनको दर्जा देना मैं तो मानता हूँ आज के समय में। उसी बालाजी मंदिर के जो हमारे ट्रस्टी हैं उनमें से एक किशन जी सैनी आज आए हुए हैं, तो इनको भी हमने इन्वाइट किया है इनके द्वारा, और इनके सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। और हम इस कार्यक्रम में 3-4 कार्यक्रम और करेंगे, ये पहले कार्यक्रम की आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस बालाजी मंदिर ट्रस्ट इटली के कार्यक्रम के सोचने से। तो ये डॉक्टर्स का तो और डॉक्टर्स स्टाफ का जितना हम लोग सम्मान कर सकें उतना ही कम है। आज सुजानगढ़ के अंदर में इस हॉस्पिटल परिसर में हमने इसलिए किया क्योंकि इस कोरोना काल में कितने लोगों की इन्होंने जान बचाई है, कितने परिवारों को सुकून मिला, आज उनकी जान बची है, तो इन डॉक्टर्स का धन्यवाद जितना ज्ञापित करें उतना ही कम है। तो इसी कड़ी में आज लोग हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक दृश्य, अभी जो दूसरी सेकेंड वेव कोरोना की आई थी तो एक ऐसा भयावह दृश्य यहाँ पर था, गैलरियों में लोग यहाँ पर भर्ती थे, लोग अपनी जान बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, और ऐसे में डॉक्टर्स दिन रात कोशिश कर रहे थे लोगों की जान बचाने के लिए, और उन्हीं का सम्मान आज यहाँ पर किया जाना है। किशन जी सैनी जो इटली रहते हैं, कैसा लग रहा है सर आज एक यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जो यहाँ समाज के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर्स का, आप सम्मान करने के लिए यहाँ पर इटली से पधारे हैं? वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो सब ये कमल भाई जी हमें जो भी बोलते हैं ये सब हम जो करते हैं जो भी करते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, बहुत ही ये आज ये प्रोग्राम, और मेरे को ये देखने के लिए एक मौका मिला ये प्रोग्राम। डॉक्टर्स के सम्मान में पुष्प वर्षा की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, मशीन को तैयार किया जा रहा है पुष्प भर करके। सालासर बालाजी महाराज की पावन धरा है सुजानगढ़, और यहाँ पर सालासर बालाजी मंदिर कमेटी जो पादवा इटली में संचालित है उसके द्वारा यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। पार्षद जयश्री जी दाधीच भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए विशेष रूप से डेडिकेटेड टू डॉक्टर्स, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग, कोरोना काल था और कोरोना काल में आपको पता है कि सभी लोग फ्री थे, समाज सेवा इनकी चालू थी, लेकिन ये फिर भी एक आर्टिस्ट हैं, इसलिए इन्होंने अपने आर्ट को, अपनी भावनाओं को, जो डॉक्टर्स के प्रति किस तरह की भावनाएँ इनके दिलो दिमाग में इस कोरोना के समय में रही,
वो उन्होंने उकेरने की कोशिश की है। अलग अलग खूब सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, खुद एक आर्टिस्ट हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा के साथ शानदार स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। पुष्प वर्षा के साथ स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर्स की टीम का किया जा रहा है। शानदार तालियां बजाकर, सभी तालियों के गड़गड़, एक अनूठा कार्यक्रम यहां सुजानगढ़ में किया जा रहा है डॉक्टर्स की सम्मान में। और भावविभोर होकर आप देखिए, पीएमओ साहब एकदम भावविभोर हो गए हैं। एक ऐसा सुंदर कार्यक्रम यहां पर पेश किया गया है। महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर इस कोरोना समय में रही है डॉक्टर्स की, और पीएमओ साहब का चेहरा खिला हुआ बता रहा है कि वो कितने खुश हैं जिस तरह से सम्मान किया गया। जो सालासर बालाजी कमेटी है जो पादवा इटली में संचालित है, विदेशों में उन्होंने देखा इटली में ऐसे डॉक्टर्स का सम्मान किया जाता है, यहाँ भारत में वो ऐसी थीम लेकर के आए, कैसा लग रहा है सर? बहुत बहुत मन गदगद हो गया है। आज पहली बार हमने ऐसा देखा है कि आपने कोरोना योद्धाओं की जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत मन प्रफुल्लित और प्रसन्न हो गए हैं। ये देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है, एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर पेश किया जा रहा है। प्रफुल्लित हैं डॉक्टर्स की टीम, सभी ये देखिए तालियां बजा कर अभिनंदन किया जा रहा है डॉक्टर्स की टीम का। पुष्प वर्षा और तालियों के साथ धर्मवीर जी पुजारी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चूरू, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। दिलीप जी सोनी पहुंचे हैं, और कोविड के समय में अभूतपूर्व सेवा यहां सुजानगढ़ शहरवासियों की इन्होंने की है। बीच में श्री धर्मवीर जी पुजारी सालासर से जिलाध्यक्ष हैं हमारे, और ये मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही, जो इटली में मंदिर बना हुआ है उसी ट्रस्ट के तत्वाधान में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी जी, जिलाध्यक्ष श्री धर्मवीर जी पुजारी से निवेदन करूंगा, पीएमओ साहब कल्याणी जी का साफा पहना कर स्वागत करें। सुजानगढ़ पीएमओ सूर्यचंद कालानी का अभिनंदन कर रहे हैं साफा के साथ। चूरू जिला अध्यक्ष भाजपा धर्मवीर पुजारी, माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है पीएमओ साहब का। साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है डॉक्टर दिलीप जी सोनी का, पूर्व मंत्री खेमराम मेघवाल के द्वारा माला पहनाई जा रही है और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। विधा सर प्रधान संतोष मेघवाल के द्वारा डॉक्टर पुरुषोत्तम जी करवा को अभिनंदन किया जा रहा है, पुष्पगुच्छ भेंट कर साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। पवन जी माहेश्वरी सुजानगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अभिनंदन कर रहे हैं डॉक्टर तूनवाल साहब का, और आभार पत्र दिया जा रहा है उनकी अभिन्न सेवाओं के लिए। डॉक्टर साहब का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है बुद्धि प्रकाश जी सोनी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सभी डॉक्टर्स का अभिनंदन किया जा रहा है। महेंद्र जी डूकिया डॉक्टर साहब का अभिनंदन किया गया है। वैद्य भंवरलाल काछवाल के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, भाजपा नेता। वैद्य महेश जी मिश्रा का, आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा इन्होंने कोरोना के समय में बहुत पूर्व सेवाएं दी हैं। जय श्री दधीच पार्षद के द्वारा माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है डॉक्टर लक्ष्मी डारा का, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं सुजानगढ़ में। साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। अभिनंदन किया जा रहा है पार्षद दीनदयाल जी के द्वारा। टंडन साहब का अभिनंदन कर रहे हैं दीनदयाल जी। पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है स्टाफ के सहित। श्याम जी स्वर्णकार का अभिनंदन किया जा रहा है हरिराम जी खोर के द्वारा। टीम हारे के सहारा का संयोजक हैं और 108 मेन सुजानगढ़ के कहे जाते हैं, जिन्होंने इस कोरोना समय में भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं। परिजन जहाँ हाथ लगाने से पीछे हट जाते हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा कोरोना डेथ्स में उनका अंतिम संस्कार किया है। नर्सिंग अधीक्षक कन्यालाल जी सैनी का अभिनंदन किया जा रहा है साफा और माला के साथ। भाजपा देहात अध्यक्ष मनोज जी भाणीज के द्वारा
रणजीत चिट्ठाबरिया का अभिनंदन किया जा रहा है मनोज जी के द्वारा। नर्सिंग स्टाफ का भी स्वागत किया जा रहा है, नर्सिंग अधीक्षक बजरंगलाल जी का स्वागत किया जा रहा है। साथ साथ में पुष्प वर्षा की जा रही है। रामचंद्र जी डारा का अभिनंदन किया जा रहा है साफा और आभार पत्र के साथ। सभी स्टाफ का, हॉस्पिटल स्टाफ का, द्रौपदी देवी नर्सिंग अधीक्षक का अभिनंदन किया जा रहा है। संतोष देवी मेघवाल विरासर प्रधान अभिनंदन कर रही हैं। कमलेश जी मंडार का अभिनंदन किया जा रहा है। चंद्रप्रकाश जी शर्मा अभिनंदन कर रहे हैं। सभी हॉस्टल स्टाफ का अभिनंदन किया जा रहा है। अकील हुसैन जी का अभिनंदन किया जा रहा है। इलेक्ट्रीशियन नरेश जी का अभिनंदन किया जा रहा है। आशीष सोठिया के द्वारा हॉस्टल कर्मियों का, डॉक्टर्स का, नर्सिंग अधीक्षक का, सभी का सम्मान किया गया। देखिए सभी स्टाफ का चेहरा खिला हुआ रंगीन साफों में, सभी का सम्मान किया गया, आभार पत्र प्रस्तुत किया गया है सभी के लिए। हॉस्टल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, किया जा रहा है। हॉस्पिटल सफाई कर्मचारियों का अभिनंदन किया जा रहा है। माला सफाई कर्मचारियों का, सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, आभार पत्र दिया जा रहा है। पार्षद जयश्री दाधीच जिनके द्वारा कोरोना समय में अपने हाथों से कई डॉक्टर्स टू डेडिकेटेड इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है। डॉक्टर की सेवाओं से प्रेरित होकर पार्षद जयश्री दाधीच ने पेंटिंग्स बनाई है, वो भेंट कर रही हैं डॉक्टर्स को, PMO सुरचंद कालानी को। ये देखिए किस तरह से दुनिया को डॉक्टर्स ने बचाया है। डॉक्टर्स के सम्मान में बनाई गई पेंटिंग्स भेंट की जा रही हैं डॉक्टर दिलीप सोनी को, जैसी दादी पार्षद के द्वारा। डॉक्टर्स का आभार प्रकट करते हुए सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। डॉक्टर लक्ष्मी द्वारा को भेंट की जा रही है। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी करवा को भेंट की जा रही है पेंटिंग। सभी डॉक्टर्स की टीम का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जा रहा है। सभी डॉक्टर्स की टीम का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। सालासर बालाजी की पावन धरा, यह सुजानगढ़ की धरती और इसी सालासर बालाजी महाराज के का मंदिर, दिव्य मंदिर पादुआ इटली में मौजूद है। वहाँ की कमेटी के द्वारा यहाँ के डॉक्टर्स का सम्मान किया गया है जो कि सुजानगढ़ के निवासी हैं और इटली प्रवासी हैं। इनकी कैसी भावना रही, क्या इन्होंने महसूस किया, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। PMO सुरेंद्र जी कालानी हैं। सर कैसा महसूस करते हैं सर, आज जिस तरह से स्वागत किया गया सभी स्टाफ का, डॉक्टर्स का? मैं सबसे पहले तो सालासर बालाजी मंदिर कमेटी पादुआ इटली की संस्था के प्रभारियों का नमस्ते करता हूँ, हृदय से आभार करता हूँ इनको। और जिस तरह का इन्होंने ये स्वागत कार्यक्रम रखा है, ये बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रखा है। इसे जो भी कोरोना काम करने वाले जो कोरोना योद्धा थे, चाहे उसमें हमारा छोटा सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी, सबका मनोबल बढ़ा है। सब लोग, हम इनको तहे दिल से, हृदय से इनका आभार व्यक्त करते हैं।
कोरोना वॉरियर्स में यहाँ सुजानगढ़ में यदि मैं बात करूँ तो सबसे अग्रणी भी भूमिका निभाने वाले हैं और कोरोना के इंचार्ज भी थे डॉक्टर दिलीप जी सोनी मेरे साथ में, जिनका स्वागत अभी किया गया है। भावनाओं को उनके मुँह से सुनना चाहेंगे सर, कैसा महसूस करते हैं जिस तरह से ये गर्व क्षण अभी आया है? देखिए सर, स्वागत चाहे किसी भी रूप में किया जाए और कभी भी किया जाए, इंसान के हृदय को खुशी देता है। आज कोरोना से आधी जंग जीतने के बाद जो ये हम लोगों का स्वागत हो रहा है तो डेफिनेट दिल में बहुत खुशी है और हम ये चाहेंगे कि आप सब लोगों के सहयोग से इस कोरोना को पूरी तरह परास्त करके इस पर विजय पताका पहनाकर हम स्वागत करवाएं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, एक समय था सर डॉक्टर साहब यहाँ गैलरियाँ भर गई थी, लेकिन अब कुछ हद तक कंट्रोल है, कितनी संतुष्टि पाते हैं? हाँ सर, देखिए आज जो माहौल हॉस्पिटल में देखते हैं उसे देखकर आप पिछले 15 दिन पहले की तीव्रता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 15-20 दिन पहले हॉस्पिटल में मरीजों की भरमार थी, जिस तेज़ गति से कोरोना बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था पता नहीं ये कुछ छोड़ेगा भी कि नहीं छोड़ेगा, लेकिन जितनी जल्दी इस पर काबू आया उसके लिए राज्य सरकार के आप सब लोगों के प्रयास सराहनीय है। भामाशाहों ने मदद की, हमने अपना काम किया, लोगों ने सहयोग किया, सभी के सहयोग से इस कोरोना पर आंशिक विजय मिल गई है, पूर्ण विजय अभी बाकी है। बिल्कुल, जन्म से मृत्यु तक इंसान के जो मृत्यु के बीच में दीवार बनकर डॉक्टर्स बार बार खड़े रहते हैं और जान बचाने की कोशिश करते हैं, बार बार इंसान की जान बचाते हैं। धर्मवीर जी पुजारी जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने स्वागत भी किया है सर, और किस रूप में आभार प्रकट करेंगे डॉक्टर्स का? डॉक्टर्स का आभार, इन्होंने जो जनता की सेवा की है उसके लिए हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है कि इनका आभार व्यक्त करें। और ये एक भगवान के रूप में इस धरती पर आए हैं और उन्होंने नर को नारायण मान के जो सेवा की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इनका। पार्षद जयश्री जी दाधीच साथ में हैं, जिनके द्वारा जो कोरोना के प्रचंड वेग के समय में उनकी भावनाएं जिस तरह से डॉक्टर्स के प्रति थी दुनिया को बचाने में, उन्होंने अपनी भावनाएं देखी चित्र के माध्यम से उकेरी है, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा जो कोरोना का प्रचंड वेग चल रहा था और आप पार्षद भी हैं तो कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त, जो जिस तरह से आपने, मैं देख रहा हूँ चित्रों में भावनाएं जो उकेरी हैं? जिस समय कोरोना अपनी फुल पीक पर था तो उस समय यही लग रहा था कि पता नहीं अब हम सबके साथ क्या होगा, हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय में जो उस तूफान के समय में डॉक्टर सोनी जी ने जिस तरह से एक पतवार की तरफ, एक जहाज की तरफ हम सबको बचाया है, उस तूफान से हमें निकाला है, तो उसके लिए मैंने उनके लिए ये पेंटिंग बनाई है और मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। उस समय बैठे बैठे यही सोचती थी कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए दिन रात ये कर रहे हैं और बहुत सेवाएँ दे रहे हैं, तो हम और कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जो भावनाएँ हैं वो जरूर मैं प्रकट कर रही हूँ इस पेंटिंग के माध्यम से, और धन्यवाद करती हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करती हूँ। सालासर बालाजी मंदिर कमेटी पादवा इटली के द्वारा शानदार कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और डॉक्टर्स और सभी स्टाफ का सम्मान किया गया। संतोष जी मेघवाल जो कि प्रधान हैं बिदासर से, उनसे भी बातचीत करते हैं, कैसा लगा इस तरह का एक कार्यक्रम या अनूठा कार्यक्रम जो यहाँ पर, वैसे डॉक्टर्स का जिस तरह से स्वागत सम्मान यहाँ पर किया गया? बहुत अच्छा लगा और वास्तव में इस प्रकार के जो कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा है जो वैश्विक महामारी थी और जिस तरह से पूरी दुनिया इस महामारी से त्रस्त हो रही थी और परेशान हो रही थी, लेकिन जो धरती के भगवान है, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में डॉक्टर्स ने और सफाई कर्मियों ने, जो पूरे स्टाफ ने जिस प्रकार से जनता की सेवा की और लोगों के जान बचाने में अपना जीवन उन्होंने बलिदान कर दिया, ऐसे डॉक्टरों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उनको सलाम करते हैं, कि निश्चित तौर से ये भगवान, धरती के भगवान ही है जो इस धरती के इन जीवों, इन लोगों को जान बचाने के लिए इन्होंने रात दिन एक कर दी और अपने जीवन के बारे में न सोचते हुए इन्होंने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तीनों ही पद्धतियों से डॉक्टर्स ने मुकाबला लड़ा है और मुकाबला किया है इस कोरोना महामारी से। जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जिन्हें कोविड केयर सेंटर का प्रभारी भी यहाँ सुजानगढ़ में बनाया गया था इस प्रचंड वेग के समय में, उनसे मैं बातचीत करूँगा। डॉक्टर महेश कुमार जी मिश्रा सालासर से आयुर्वेद चिकित्सक हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस, जो जनता आपको वापस जब आभार प्रकट करती है जिस तरह से स्वागत किया गया है और आपने उस कोरोना काल में सेवाएं भी दी है, एक अनूठा कार्य भी आपने किया था कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चला करके 7 दिन में लगभग 1.25 लाख लोगों को आपने काढ़ा पिलाया आयुर्वेदिक, तो उस दौरान और अब जो स्वागत किया जा रहा है, कैसी फीलिंग्स है सर? अब इस स्वागत सत्कार से हमारी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई है कि हम हमारे कर्तव्य से अब हम पीछे हट नहीं पाएंगे, जब भी जनता को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम 2 कदम आगे चल के सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। स्वागत सत्कार से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ऐसा महसूस, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। बिल्कुल, गौरव के क्षण हैं और सभी डॉक्टर्स से हमने
कुछ डॉक्टर से बात की, कुछ प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर सालासर बालाजी मंदिर कमेटी पादवा इटली के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था, जहाँ पर सभी डॉक्टर्स जो हैं सुजानगढ़ के और जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, अधीक्षक हैं और सफाई कर्मचारी हैं, सभी जो डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल की टीम है, पूरी पूरी टीम का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया गया। मैं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।